राखी सावंत की लाइफ को लेकर, पुलिस की कार्रवाई को लेकर आपका क्या? हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, इसीलिए राखी सावंत के साथ खड़ी है। राखी सावंत का नाम पूरे देश भर में है, जो आदिल खान नाम के जो एक व्यक्ति मुंबई की राखी सावंत के साथ गलत व्यवहार किया है, उसको आदिल खान को अरेस्ट कर दिया है, लेकिन उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और उन्होंने ये भी जानकारी है कि और भी कई लड़कियों को उन्होंने फंसाने का काम भी किया है। पता चलता है मीडिया को कि आंदोलन रद्द कर दिया गया, लेकिन जरूर रिपब्लिकन पार्टी का प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी ने आंदोलन सही किया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने पूरा सहयोग राखी सावंत को दिया है और उस व्यक्ति को फौरन उनको पुलिस ने अरेस्ट भी कर दिया है। हमारी पार्टी की भावना इतनी थी कि भाई किसी महिला पर इसी तरह का अन्याय ना हो। जरूर मैं देवेंद्र फडणवीस जी जो उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री भी है, उनके पास मैं कंप्लेंट करने वाला हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ वाहिद अली खान और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रामदास अठौले साहब। जी हाँ, ये वुमेन्स एम्पावरमेंट के यूनियन मिनिस्टर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं और राखी सावंत के पार्टी राखी सावंत भी आरपीआई की सदस्य हैं। इनसे पूछेंगे कि राखी सावंत के पूरे एपिसोड में जो अब तक हुआ है, इनका क्या मानना है पुलिस की कार्रवाई को लेकर, राखी सावंत की लाइफ को लेकर इनके क्या विचार है? चलिए पूछते हैं रामदास अठौले साहब से। अठौले साहब, राखी सावंत पे जो हो रहा है इस वक्त, आपका क्या कहना है? तो राखी सावंत हमारे मराठी समाज की एक अच्छी फिल्म एक्ट्रेस है। राखी सावंत का नाम पूरे देश भर में है। राखी सावंत ने कुछ साल पहले रिपब्लिकन पार्टी में प्रवेश भी किया था और राखी सावंत से मेरे संबंध बहुत सालों से बहुत अच्छे रहे हैं। राखी सावंत एक बहुत अच्छी कलाकार भी है, लेकिन जिस आदमी ने उनको फंसाया है, ये बात हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर लगती है। आदिल खान, जो आदिल खान नाम के जो एक व्यक्ति मुंबई की थी, उन्होंने मतलब राखी सावंत के साथ गलत व्यवहार किया है, उनको अंधेरे में रखकर उनके साथ शादी की है, शादी करने के बाद उनको बहुत बड़ी तकलीफ दी है और उनका पैसा भी उन्होंने लिया है। इसी तरह मतलब जो गंभीर उन्होंने गुनाह किया है, इसके लिए राखी सावंत जी ने पुलिस थाने में केस दर्ज की भी है, उसको आदिल खान को अरेस्ट भी कर दिया है, लेकिन उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और उन्होंने ये भी जानकारी है कि और भी कई लड़कियों को उन्होंने फंसाने का काम भी किया है और उसी तरह राखी सावंत को भी उन्होंने अंधेरे में रखकर उनके ऊपर अन्याय किया है, अत्याचार भी किया है और इसीलिए राखी सावंत को न्याय मिलना चाहिए। एक महिला है और महिला के माध्यम से ही दूसरे महिलाओं पर भी इसी तरह का अन्याय ना हो, इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी राखी सावंत जी के साथ है और राखी सावंत जी को न्याय मिलना चाहिए। अठौले जी, आज सुनने में आया था कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसा आंदोलन करने वाली थी, अचानक से शाम को पता चलता है मीडिया को कि आंदोलन रद्द कर दिया गया। क्या आगे इसी किसी तरह की गुंजाइश है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रामदास अठौले किसी तरह का आंदोलन करेंगे इस मुद्दे को लेकर, राखी सावंत हो या इस पूरे मुद्दे को, तमाम ये मसला जो है वो बढ़ता जा रहा है इस तमाम चीजों को मिलाकर, क्योंकि आदिल दुरानी पर सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि मैसूर में भी कई FIR दर्ज हुए। तो मतलब जो घटना तो सीरियस ही है, जो आदिल खान है उनके ऊपर मैसूर में भी केस दर्ज हुई है, मुंबई में केस दर्ज हुई है और भी कई केसेस उनके होगी मालूम नहीं है, लेकिन जरूर रिपब्लिकन पार्टी का प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी ने आज आंदोलन सही किया था। हमारे तालुका के अध्यक्ष सुनील पवार जी, तो मैंने सूचना दी थी कि भाई इस विषय पर आंदोलन करना है और पुलिस ने तो कार्रवाई की है। मतलब इस राखी सावंत ने पुलिस थाने में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने पूरा सहयोग राखी सावंत को दिया है और उस व्यक्ति को फौरन उनको पुलिस ने अरेस्ट भी कर दिया है। तो पुलिस का कुछ कहना, मतलब पहले से परमिशन लेने की आवश्यकता थी, अगर क्या बोलती है तो उसके बाद जगह कोई दूसरी भी तय कर सकते थे।
हमारी पार्टी की भावना इतनी थी कि भाई किसी महिला पर इसी तरह का अन्याय ना हो। पुलिस थाने के खिलाफ हमारा आंदोलन नहीं था, लेकिन पुलिस को लगा कि भाई हमारी इमेज खराब हो जाएगी, हमने जितना अच्छा काम किया है। इसलिए सुनील पवार आज आंदोलन है और वो परमिशन लेने के लिए आज गया, तो पुलिस ने उनको रोक कर रखा, मतलब उनको रोक कर रखा और इसीलिए आज का आंदोलन नहीं हो पाया है। आगे तो देखते हैं जिस पुलिस ऑफिसर ने मतलब जो अन्याय किया है, हमारा अधिकार आंदोलन करने का है, लोकतंत्र में शांति से आंदोलन करने का जरूर हमको अधिकार है, लेकिन उस अधिकार पर मतलब अधिकार को ठुकराने का काम जो है पुलिस ने किया है। जरूर मैं देवेंद्र फडणवीस जी जो उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री भी है, उनके पास मैं कंप्लेंट करने वाला हूँ। और इसी तरह पुलिस ने पता बनना ठीक नहीं, हमने तो बहुत सारे आंदोलन किए, पुलिस का परमिशन लेकर आंदोलन किए हैं, पुलिस ने सहयोग भी दे दिया है, या पुलिस ने अच्छा काम किया है वहाँ पुलिस के साथ हम रहे हैं, या पुलिस ने ठीक काम नहीं किया उसके विरोध में हमने आंदोलन। आपकी पार्टी आरपीआई इस वक्त राखी सावंत के साथ खड़ी हुई? पार्टी हमारी राखी सावंत के साथ खड़ी है। चलिए, तो ये थे यूनियन मिनिस्टर। हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, इसीलिए राखी सावंत के साथ खड़ी है। चलिए, तो ये थे यूनियन मिनिस्टर रामदास अठौले साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार, अगर पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि ये उनका हक है। धन्यवाद।